नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तिजिल्स किचन में। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम पत्ता गोभी, जिसे मैंने वॉश करके बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसे दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे आधा कप हरा और सफ़ेद प्याज और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और दो कप गेहूं का आटा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन, जिसे मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच, धनिया के बीज दरदरे कुटे हुए एक चम्मच, अजवाइन, इसे हम हाथों में मसलते हुए इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और कसूरी मेथी एक चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्ता गोभी है वो अपना पानी छोड़ेगी और उसी से हमारा आटा गुंथ जाएगा। देखिए, ये हमारा आटा गुंथ कर तैयार है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर छोटी बॉल्स बना लेंगे। देखिए, ये बॉल रेडी है। ऐसे ही हम सारे आटे से बॉल बना लेंगे। आपको पराठा जितना बड़ा या छोटा बनाना है, उस हिसाब से आप उसकी बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए, सारी बॉल्स रेडी हैं। अब हम कुछ सूखा आटा लेंगे और एक आटे की ये बॉल को इसमें सूखे आटे से कवर करते हुए इसे हम बेल लेंगे। हमें ज़रूरत पड़े तो हम बीच में सूखा आटा इस पर लगा सकते हैं। इस तरह से हम पराठे को बेल लेंगे। देखिए, ये पराठा बिलकर तैयार है। ऐसे ही सारे डो से हम पराठे बेल लेंगे। अब ये पराठे सिकने के लिए तैयार हैं। देखिए, तवा गर्म हो गया है। अब हम गर्म तवे पर एक पराठा सिकने के लिए डाल देंगे। हमें आंच को लो से मीडियम रखना है और इसे हल्का सेक लेंगे और फिर पलट देंगे और दूसरी ओर से भी हल्का सा सेक लेंगे। और अब इस पर घी या बटर, जो भी आपको पसंद हो, वो इस पर ऊपर लगाएंगे। और इसे पलट देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी घी लगाएंगे। इसे अच्छी तरह सिकने देंगे और इसे अब पलट देंगे और दूसरी ओर से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे।
देखिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म पत्ता गोभी का पराठा, और बाकी पराठे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब हमने दूसरा पराठा भी ऐसे ही तवे पर डाल देना है और उसे हल्का सेक कर पलट देना है। और आप इसके ऊपर घी लगाएंगे अच्छी तरह से और पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक देंगे, और दूसरी ओर से भी ऐसे ही घी लगाकर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। ऐसे ही सारे पराठे हम रेडी कर देंगे। देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म पत्ता गोभी के पराठे। इसे आप बटर के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।